हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर इकोनॉमिक क्लास। तो देखिए, इकोनॉमिक क्लास में हमारे कुछ लोगों के कुछ डाउट थे और इसमें मेनली हर्षित का एक डाउट था। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो एक बार सर वो बताइए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दिस इज ऑफ द ट्रैक ऑफ आवर सिलेबस। हम लोग को सिलेबस से ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ये केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगी, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीजों को आप एक साथ लिंक कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं आप लोग को यह बता देना चाहूंगा कि यहां पर मैं इकोनॉमिक्स की केवल बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं पॉलिटिकल टेंशन, पॉलिटिक्स की भी बात करूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूंगा, सोसाइटल बेस्ड की भी बात कर रहा हूंगा। तो हम लोग क्या है, पूरे जीएस के सिलेबस को एक साथ लेकर के चल रहे होंगे। तो कहानी सुनते जाइएगा, और बाकी अगर मान लीजिए कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो भी आपको एक समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक लेमैन टाइप का ही बताऊंगा, एक ऐसी लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले अगेन वही, ये हमारी कुछ लिंक्स वगैरह हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के रूप में, हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए, अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। बाकी इसके बाद हमारे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर बेटर एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन। अब हम जरा शुरू करते हैं हमारी कहानी, कहानी स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, इस स्टोरी को मैं स्टार्ट नहीं करूंगा इंडिपेंडेंस के बाद से, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 1938 से। होता क्या है, 1938 में हमारी एक कांग्रेस रहती है। ये जो कांग्रेस है हमारी, इसके मतलब हर साल जो होते हैं नए नए सेशंस होते रहते हैं, और हर साल ये अपने चेयरमैन चेंज करते रहते हैं, जिससे कि नई विचारधारा, नए एक आइडियाज आते रहे और लोगों को नया एक लीडरशिप मिलती रहे, नया नेतृत्व मिलता रहे, एक आगे क्या काम होना चाहिए वो लोगों के बदलते व्यू में मिलना रहना चाहिए। तो इस समय जो चेयरमैन चुने जाते हैं, वो चेयरमैन चुने जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, मैं कहूंगा द रियल आयरन मैन, मतलब मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया इनकी सोच थी, बहुत ही ज्यादा ये कंपटीटिव भी थे, और लोगों को बोला जाता है ना करके दिखाओ, तो ये करके ही दिखाने वाले लोगों में से थे। तो बहुत ही अच्छा इनका एक कह लीजिए पर्सनैलिटी था, आप लोग को भी इन्हीं के थ्रू बनना चाहिए। इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखिए आप लोग, तो काफी अच्छा एक व्यू मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक तो ये पहली बात आईएएस थे, ठीक है, छोटा मोटा आदमी मत समझिएगा। तो इन्होंने क्या किया, देख लिया कि देखो यार आगे जाकर के इकोनॉमिक कंडीशन हमें सुधारनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब यह है वी नीड टू प्लान, हमें एक प्लान्ड वे में आगे चलने की जरूरत है। तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की बात कही, नेशनल प्लानिंग कमीशन। और इस नेशनल प्लानिंग कमीशन के लिए अपने फ्रेंड को इन्होंने कहा कि भाई तुम लीड करो, और इसके चेयरमैन बनाए गए कौन से, इनके फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को इंटरनेशनल रिलेशन का काफी अच्छा नॉलेज था, और साथ में इनको इंटरनेशनल लॉ का काफी अच्छा ज्ञान था, इंटरनेशनल लॉ का। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि यार आप प्लानिंग को संभालिए, क्योंकि यहां पर हमें वर्ल्ड के साथ मिल करके, मतलब वर्ल्ड को लिंक करके हमें अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या है कि एक बड़ी प्लानिंग कमीशन और एक ऐसे कमीशन, एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जिसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो। तो इस तरीके से नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात उड़ जाती है, और इस तरीके से हमारा अब आगे प्लान्ड वे में हमारा चीजें, मतलब प्लान्ड वे में हमारी सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग क्या है कि इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वी आर अंडर कोलोनियल एज, हम लोग अंडर कोलोनियल एज हो जाते हैं। लेकिन इस कोलोनियल एज से भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और वो सबसे बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी। वॉट इज डेमोक्रेसी, ये बात हम लोग सीखे थे, और हम लोग बेसिकली सीखे थे यूके के लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से हम लोग ये सीखे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोग के पास सबसे बड़ा उस समय मुद्दा रहता है क्या, सबसे पहला लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड करना है, सबसे पहली चीज होती है। दूसरी चीज, इकोनॉमी भी जो हमारी रहेगी उसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, तो जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो मुद्दे। तीसरी चीज, चूंकि बहुत सारा हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे 1921 में कह लीजिए कि सूखा पड़ गया था, तो इसके कारण से कई सारे लोग स्टारवेशन, भूख वगैरह के कारण से मर गए थे। तो हेल्थ की कंडीशन क्या होने वाली है,
ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थी, जैसे माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया पाकिस्तान, तो किस तरीके से जो माइग्रेटरी रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, कैसे इनको लोगों को रोकना है, मतलब कैसे इन लोगों को एक्सेप्ट करना है, ये सब चीजें। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था, और इस इंडिया पाकिस्तान वॉर जो कि 1948 में हुआ था, इसके बाद से जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो हमें डिफेंस पे भी काफी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत थी। लेकिन हमारे पास क्या था, इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि हमें अब इसे डेवलप करने की जरूरत थी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर उठ गया था, और यहां पर ना सिर्फ सोसाइटल प्रॉब्लम बल्कि वॉर प्रॉब्लम भी हमारी आ गई थी, और इंटरनेशनल प्रेशर भी था। अभी इंटरनेशनल प्रेशर क्या था, सोसाइटी की चीज आप लोग समझ ही गए, ये हो गया, फूड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब हो गया। वॉर की कंडीशन आप समझ गए, माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर की प्रॉब्लम थी। इंटरनेशनल की क्या कंडीशन चल रही थी उस समय, ये भी देखते हैं। 1945 में, 1939 से 1945 तक चलता है वर्ल्ड वॉर टू, और अल्टीमेटली यहां से यूएसए और यूएसएसआर मिल करके ये दोनों विजयी होते हैं, मतलब ये दोनों जीत जाते हैं, और अल्टीमेटली पीस कीपिंग फोर्स बना दी जाती है। पीस कीपिंग का मतलब क्या हो जाता है, पीस कीपिंग का मतलब हो जाता है कि यहां पर यूनाइटेड नेशन संस्था बना दी जाती है, और उसको कुछ पावर दे दी जाती है, ताकि कि पहले जो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस बनाया था वो जैसे लास्ट टाइम फेल हो गया था वैसा फेल ना हो। लेकिन इसमें क्या हो गया था कि एक जंगल के दो शेर हो गए थे, एक यूएसए हो गया था और दूसरा यूएसएसआर हो गया था। एक जंगल में कभी दो शेर नहीं हो सकते, इस वजह से इन दोनों में आपस में कंपटीशन जनरेट हो गया, और इस कंपटीशन जनरेट होने के पीछे जो रीजन था, कंपटीशन जनरेट होने के पीछे जो रीजन था, वो रीजन था डिफरेंट आइडियोलॉजी, और दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। क्या दोनों की आइडियोलॉजी थी, एक तरफ यूएसए था जिसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्टिक नेचर की, और दूसरी आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल डिफरेंट। दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता ही होगा यूएस क्या है, यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर चूंकि अब इसके पास से जरा देखिएगा, इसके पास क्या था कि बहुत सारे इश्यूज थे। इश्यूज क्या क्या थे, इनकी ब्रॉड टेरिटरी थी, और इनकी क्या थी, इनकी नैरो टेरिटरी थी। ज्योग्राफिकल कंडीशन ही बोल दीजिए, एक तरफ रॉकीज है, एक तरफ जो है आपका एपलेशियन, और दोनों के बीच का एरिया हो गया, तो काफी नैरो इलाका, और बहुत ही कह सकते हैं कि आपस में कनेक्टेड एरिया है, दीज आर वेरी कनेक्टेड एरियाज, तो ये कनेक्टेड हो गया। एक तो इसके साथ ब्रॉड थी, नंबर टू मतलब ब्रॉड का मतलब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, यहां पर कई सारे एथनिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इस डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में कौन कौन से हो गए, जैसे एक हो गया जो सेंट्रल एशिया का पार्ट हो जाता है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का मतलब उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये पूरा इलाका जो एक तरीके से कह सकते हैं इस्लामिक इलाके हैं, ये अंडर यूएसएसआर हुआ करते थे। इसके अलावा मंगोलिया का रीजन, इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, फिर उसके बाद अजरबैजान हो गया, इसके बाद जो आपका बीच का रीजन हो जाता है, बीच का रीजन मतलब यूक्रेन हो गया, कीव हो गया, ये सारा का सारा रीजन भी इन्हीं के अंडर में आता था। तो इनकी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के साथ साथ इनकी जो एथनिक ग्रुप थी, एथनिक डाइवर्सिटी थी, वो काफी ज्यादा बड़ी थी, और इसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था, हैंडल कर पाना मुश्किल था, क्योंकि सब आपस में इंडिपेंडेंट मांगने की मतलब शुरुआत कर दिए थे। लेकिन यहां पर क्या था, यह था डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी आवाज को सुना जाता है, इसलिए क्या था, ये संगठित था, ये आपस में कनेक्टेड था, और ये आपस में कह सकते हैं कि यूनाइटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड था। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि यहां पर ये लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद आए थे, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की खास बात ही यही है, डेमोक्रेसी के लिए वॉर, वॉर फॉर डेमोक्रेसी। जबकि यहां पर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, और रशियन रिवॉल्यूशन जस्ट तुरंत हुआ था, मतलब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, और यहां पर बोल्शेविक की सरकार आई थी, मतलब कि यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट निकल के आई थी, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केवल वहीं चल सकती है जो डेवलपिंग नेशन होता है, एंड दिस वॉज डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन में कभी भी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि यहां पर लगातार क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस क्वेश्चनिंग का ही नतीजा था कि आगे जाकर के इसके जो
बाकी के कंट्रीज हैं इसके अंडर में जो कंट्रीज थी वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड करना शुरू की। अब क्या था, एक तो यूएस से जो आपस में यूनाइटेड था इनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया एक ऐसी कंट्री के साथ में जिसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ही हो गए थे, इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन ये दोनों के दोनों अभी भी सुपर पावर थे। सुपर पावर क्यों थे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट थे। न्यूक्लियर स्टेट के साथ साथ दोनों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी हो रखे थे, हाइड्रोजन पावर्ड बॉम्ब थे। इसके अलावा ये सारे के सारे दिस इज बॉम्ब, इसके अलावा इनके पास ब्लास्टिक मिसाइल्स थी, ब्लास्टिक मिसाइल्स। इन ब्लास्टिक मिसाइल्स के अलावा आप बोल सकते हैं कि मतलब डिफेंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी, मतलब सुपर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो सारी टेक्नोलॉजी इनके पास थी। शील्ड वगैरह सब कुछ इनके पास था। शील्ड का मतलब होता है, एक होता है रडार वगैरह लगाया जाता है जिसमें शील्ड होती है, बात करेंगे हम लोग जब आगे बात करेंगे डिफेंस वगैरह की। तो दोनों ही सुपर पावर थी। अब दोनों सुपर पावर का मतलब ये था कि इनके पास, मतलब कि जो डेवलपिंग नेशन है, जितने भी डेवलपिंग नेशन का मतलब हो गया चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, एनी कंट्री, इन सारे कंट्रीज को ऑप्शन था ईदर टू ज्वाइन यूएसए और टू ज्वाइन यूएसएसआर। अब हम लोग ज्यादा करीबी किसके थे, यूएसएसआर के। क्यों, क्योंकि हमारे नेताजी थे जवाहरलाल नेहरू, और इनकी जो पॉलिसी थी वो सोशियोलॉजिकल पॉलिसी थी, सोशियोलॉजिस्ट पॉलिसी थी, और ये ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा इन्फ्लुएंस थे यूएसएसआर से। लेकिन जब ये कंडीशन आई कि इंडिया को किसको ज्वाइन करना है, इंडिया ने बोला किसी को नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, और इसको बोलाता है नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी, नाम NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द सुपर पावर। अब इससे क्या हुआ, इंडिया न तो यूएसए के करीब जा पाया और न ही यूएसएसआर के करीब जा पाया। तो दोनों तरफ से इनको कह लीजिए कि एक दूरी बना करके रहना पड़ गया। दूसरी चीज, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म, समझ में आई गया क्या चीज है। दूसरी चीज क्या हुआ, इंडिया ने, इंडिया चूंकि क्या है कि बहुत, मतलब हंड्रेड ईयर की जो होता है ब्रिटिश की कॉलोनी के अंतर्गत रहा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और इनको जो विजन थी उस विजन में भी इनको केवल सपने में भी यही आता था केवल कि हम लोग आज भी अंडर ब्रिटिश रूल हैं। तो इस वजह से इनकी, इनको बहुत ज्यादा डर लगता था किससे, ग्लोबलाइजेशन से। तो दे वर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली, एंड दैट इज वाई दे क्लोज्ड देयर इकॉनमी, दे क्लोज्ड देयर इकॉनमी। अब हम लोग आ गए हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिपेंडेंस का मतलब हम लोग यहां से ले रहे हैं 1950 के बाद से, आफ्टर 1950। तो इस समय लोगों ने ये बोला कि क्लोज द इकॉनमी, अदरवाइज जो होता है हम लोग जो पहले ब्रिटिश के अंतर्गत थे अब हम लोग फिर से किसी के अंतर्गत हो सकते हैं, और वो थी जापान। जापान के हम लोग अंडर हो सकते थे, तो क्योंकि यहां पर अब जापान जो है वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था अपना, कॉलोनी बनाना। और ये चीज, हालांकि 1945 में इनके ऊपर जो होता है अटैक हो गया था बॉम्ब का, बट स्टिल जो होती है जापान एक सुपर पावर बनी हुई थी, एशिया की सुपर पावर जो इस तरीके से अटैक कर रही थी। ठीक है, जापान के पास अपनी, जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है जापान की मदद से ही जाकर के इन्होंने अपनी आर्मी वगैरह बनाई थी, INA वगैरह बनाया था। तो ये सुपर मोस्ट पावर बन गया था। अगेन दिस वॉज पावरफुल नेशन। तो हमें एक खतरा था कि ये लोग वापस से आकर के हमारी इकॉनमी को या हमारे ऊपर वापस से कब्जा कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने अपनी इकॉनमी को क्लोज कर दिया। देखिए, जज मत करिएगा किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जिए नहीं है, उस सिचुएशन में आप थे नहीं। अगर उस सिचुएशन में शायद आप भी होते तो वही एक्शन लिए होते जो कि हमारे लीडर्स ने लिया था। तो जज मत करिएगा, उस कंडीशन को आप समझिएगा, उस कंडीशन को देखिएगा कि उस कंडीशन में हुआ क्या था। ठीक है, तो इस समय देखिए डर बहुत ज्यादा है कि कोई कंट्री वापस से हमारे पुराने दिन ले आ सकती है जिसमें हम लोग पराधीन थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आने ही नहीं देंगे, क्लोज द वे, गेट लगा दीजिए, गेट बंद कर दीजिए। तो गेट बंद कर दिया गया। अब क्लोज द इकॉनमी करने पे दिक्कत क्या थी, चूंकि हमारे पास हर तरीके के रिसोर्स थे नहीं। पहली चीज, रिसोर्स हमारे लिमिटेड थे, चाहे वो मिनरल रिसोर्स हो, चाहे वो हमारे फूड रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, हमारे बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, पहली चीज। दूसरी चीज, खाने वाले लोग बहुत थे, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन, दूसरी माइग्रेशन के कारण से जो पॉपुलेशन आ गई थी, माइग्रेशन के कारण से पॉपुलेशन, तो हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी। तीसरी चीज,
डिफेंस के लिए भी हमें बना करके रखना था क्योंकि इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अटैक कर चुका था, तो हमारे पास लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी। और पैदावार के नाम पे, मतलब प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी खेती थी, जो भी फार्मिंग थी, दैट वॉज डिपेंडेंट ऑन वॉट, मानसून। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था, हम लोग टोटल ट्रेडिशनल खेती करते थे। और इस ट्रेडिशनल खेती का मतलब ये होता था कि इस साल बड़ा अच्छा अनाज हुआ, अगले साल कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, स्टारवेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम। इस स्टारवेशन की प्रॉब्लम के कारण से ही होता क्या है कि 1967, 1960s और 1970s के बीच में फिर से एक बार सूखा पड़ जाता है, फिर से एक बार ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, स्टारवेशन आ जाता है। यहां से क्या होता है कि अब जो हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, व्हाट टू डू। जब हमारी इकॉनमी स्टार्ट हो रही होती है, मतलब 1950 से स्टार्ट हो रही होती है, इकॉनमी को तो हमने क्लोज रखा हुआ है, तो अब जब शुरू में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्या करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा में क्या किया, इन्होंने इंडस्ट्री भी अपनी ओपन की, इंडस्ट्री भी स्टार्ट किया गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर को भी स्टार्ट किया गया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टार्ट किया गया, इसके अलावा डिफेंस में भी अपनी मतलब रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दिया। केवल जो पीछे छोड़ी गई थी वो सोसाइटल चीजें छोड़ी गई थी, और वो क्या थी, सोसाइटल चीजों में जैसे हेल्थ वगैरह उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन वगैरह उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय की जरूरत क्या थी, उस समय की जरूरत थी कि पहले खाने को कुछ मिल जाए, बाद में उसके बाद बाकी सी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर सारी चीजें ध्यान दी गई, लेकिन एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस किया गया क्योंकि ये था फूड और ये खाने के लिए दे रहा था, तो एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, एग्रीकल्चर को हम लोगों ने आगे लेकर के चले। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर में 5 साल चला, लेकिन 5 साल में कई बार क्या हुआ, फसल हुई कई बार नहीं हुई, तो जिस साल हुई उस साल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस साल नहीं हुई उस साल हमें क्या है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट के नाम पे हम लोग कुछ करते थे नहीं कुछ खास, तो इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो हमारी जो भी बची कुची फॉरेन करेंसी थी वो फॉरेन करेंसी भी लगातार खत्म होते आ रही थी। दूसरा, ऑयल वगैरह तो हमें बाहर से मंगाना ही पड़ रहा था, तो हम लोगों को लगातार ये सारे काम करने पड़ रहे थे, जिसके कारण से इकॉनमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। अब क्वेश्चन ये था कि पैसा कमाया कैसे जाए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना था, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग परेशान हो चुके थे, एक साल हो रहा है एक साल नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या किया, एक काम करो, हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करो, हेवी इंडस्ट्री को फिर इन्होंने लोगों ने फोकस करना शुरू किया। हेवी इंडस्ट्री क्यों फोकस किया, हेवी इंडस्ट्री इन लोगों ने इसलिए फोकस किया क्योंकि हेवी इंडस्ट्री फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे चलती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब क्या है, अगर इंडस्ट्री चल रही है तो 100% इन बैकवर्ड लिंकेज, मतलब कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना ही करना पड़ेगा, और दूसरा अगर फॉरवर्ड चल रही है तो आगे जाकर के सर्विसेज वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, शॉप्स वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे। छोटे से एग्जांपल के तौर पे, शुगर केन अगर नहीं होगा तो आगे शुगर नहीं बनेगी, शुगर नहीं बनेगी तो शॉप्स पे शुगर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, क्यों हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री से फायदा क्या था, नंबर वन, हर एक सेक्टर फिर से एक्सलरेट हो गया, तो एक्सलरेशन टू ऑल सेक्टर। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तीसरी चीज, समथिंग न्यू ये स्टार्ट हो गया, समथिंग न्यू। अब जब कोई चीज नई स्टार्ट होती है तो लोगों में इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, तो इसी इंथुजियाज्म की जरूरत भी थी। चौथा, कनेक्टिविटी विद द अदर सेक्टर, कनेक्टिविटी विद अदर सेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, कनेक्टिविटी द अदर सेक्टर। तो इस तरीके से ये प्लान किया गया और काफी मतलब ठीक ठाक था, इसका भी परफॉर्मेंस जो होती है गुड गुड थी, परफॉर्मेंस इसकी गुड गुड सी चली गई, गुड गुड। लेकिन फिर क्या दिक्कत हो गई, 1960s के बाद से हमारी जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते आ रही थी, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम 1955 से लेकर के 1960 के बीच में जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हो गई, और यहां पर अब डिमांड होनी शुरू हो गई अपना क्या, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन।
सॉवरेनिटी ऑफ नेशन। क्यों? क्योंकि यहीं पर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ लिंक कर रहा हूं। बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम भी थी, और इंटरनल प्रॉब्लम क्या थी? खाने पीने को हो या ना हो, लेकिन धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। तो रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, इसके अलावा एथनिसिटी के नाम पे सब के सब डिमांड करना शुरू कर दिए थे। क्या? सेपरेट स्टेट, हमें हमारा अपना स्टेट दे दे। तो बाकी क्या था? इस समय की बात क्या हो रही थी? इस समय की बात हो रही थी एसआरसी कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने क्या कहा था कि 14 स्टेट बनाइएगा। 14 स्टेट इन लोगों ने बना दिए थे। हालांकि इन्होंने 16 स्टेट की डिमांड रखी थी, 14 स्टेट वगैरह बना दिए गए थे। मतलब एक साथ मिला करके बनाया गया था, कोई स्पेशल मतलब फोकस नहीं रखा गया था, केवल लैंग्वेज रहेगा, रिलीजन रहेगा, एथनिसिटी रहेगी, नहीं, सारा कुछ मिला करके और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से बनाया गया था, आसानी के हिसाब से बनाया गया था। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की आवाज को दबाया गया था, सोसाइटी की जो डिमांड थी उसको दबाया गया था। एंड दिस वॉज अगेन गुड। क्यों? क्योंकि उस समय बोल्ड डिसीजंस की जरूरत थी, अदरवाइज फिर वही हमारा जो इंडिया था, छोटे छोटे परगना में, छोटे छोटे टेरिटरीज में, छोटे छोटे कस्बों में फिर वही डिवाइड हो जाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस वॉज अगेन बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री हो जाता। तो उसको बचाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ये काम किया गया था। वेरी गुड स्टेप, ये कह सकते हैं। तो ये सोसाइटी की इस तरीके से एक सिचुएशन चल रही थी जहां पर इंटरनल प्रॉब्लम अगेन बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे। लेकिन अभी तक कंडीशन अच्छी थी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी हमारे लीडर्स थे वो कंटिन्यूअसली मतलब काम कर रहे थे किसके लिए? इंडिया बिल्डिंग के लिए, इंडिया बिल्डिंग। और ये रियल लीडर्स थे, मतलब जो बोलाता है ना पैट्रियोटिक एकदम, तो ये लोग रियल लीडर्स थे। और इस तरीके से इन लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन इस कंट्री के बाद में यहां से अब लोगों को यह समझ में आने लगा, चूंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती आ रही थी, तो पॉपुलेशन वॉज ए प्रॉब्लम फॉर कंट्री। तो ये कंट्री के लिए प्रॉब्लम बना हुआ था। क्यों? क्योंकि ये लोग खाते बहुत थे, फूड बहुत ज्यादा था, और एग्रीकल्चर हमारी कुछ खास इस पोजीशन में थी नहीं कि हम लोग सबको फूड प्रोवाइड कर सके। तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम बढ़ती आ रही थी लगातार, इंपोर्ट ऑफ फूड। और जब भी किसी इकोनॉमी को खाने पीने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़े, वो कंट्री 100% आगे जाकर के फॉल डाउन कर जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये कंडीशन चल रही थी। इस कंडीशन के बाद क्या होता है? पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ज्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, लेकिन यहां से वो बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, बोल्ड डिसीजंस। इस बोल्ड डिसीजन का कई सारा रिश्ता होता है किससे? कंट्री बिल्डअप से और कंट्री के इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। और जो आज की डेट में आप देख रहे हैं इंडिया, इंडिया इन्होंने ही बनाया। हैदराबाद के जो निजाम थे, या फिर गुजरात का एरिया हो गया, या राजस्थान का एरिया हो गया, तो जितने भी स्टेट्स देख रहे हैं वो सारे के सारे स्टेट को बना करके इंडिया का रूप देने वाले हमारे यही लौह पुरुष आयरन मैन है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने, इनके टाइम पे फोकस किया गया था जो हेवी इंडस्ट्री थी, हेवी इंडस्ट्री के बाद में फिर हम लोगों ने फोकस कर दिया था सेल्फ रिलायंट पे, सेल्फ रिलायंट रहना है। और इसी दौरान हमारी वॉर होना शुरू हो जाती है। 1962 में हमारी वॉर होती है चाइना के साथ, फिर अगेन 1965 में वॉर होती है हमारी पाकिस्तान के साथ। दोनों केसेस में वॉर हो जाती है, और केसेस में वॉर होने का मतलब क्या था? इकॉनमी का खत्म हो जाना, इकॉनमी हमारी वापस से गिर गई, फॉल डाउन हो गई। इस फॉल डाउन होने का फर्क ये निकल के आया, रीजन ये निकल के आया, मतलब कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आया, जो एक्सचेंज रेट थे कंट्री के, या बोल सकते हैं जो भी फॉरेक्स रिजर्व थे, वो सारे के सारे हमारे खत्म हो गए। इससे लेकिन एक फायदा, एक चीज निकल के आया था, हमारे कुछ ट्रू फ्रेंड बन गए, हमारे कुछ फ्रेंड नेशंस बन गए। फ्रेंड नेशन के नाम पे जैसे कुछ कौन सी कंट्री रह गई, जैसे रशिया, ये हमारा अच्छा फ्रेंड नेशन बन करके निकल के आ गया था। इसके अलावा इसराइल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा फ्रेंड निकल करके आ गया था। तो ये कंट्रीज थी कुछ जो हमें काफी ज्यादा हेल्प की थी। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये लोगों ने भी काफी अच्छा हमें सपोर्ट किया था। तो हमारे कुछ फ्रेंड नेशन निकल करके आ गए थे इस तरीके से। तो यहां पर हमारी कंडीशन अगेन मतलब ठीक ठीक सी चल रही थी, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या थी? एक तो पॉपुलेशन, दूसरी थी फूड। ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनी थी। बाकी हमारी जो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो तो प्रॉब्लम थी ही, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो ये हमारी चल ही रही थी, इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो चल ही रही थी।
अब इसके बाद से क्या होता है कि हमारी इंदिरा गांधी बनती है प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ज्यादा कह लीजिए डिसीसिव, बहुत तेजी से एक्शन लेती थी और उस समय की कंडीशन भी ऐसी थी कि उनको लेना ही पड़ता था, अदरवाइज दबा दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और महिलाओं की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं उस समय क्या होती थी, तो वुमेन होने के कारण से भी इनको कुछ ज्यादा ही डिसीजिव होना पड़ता ही था। इनके दो बच्चे हमारे कौन, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी ये हमारे फॉरेन लोगों से कुछ ज्यादा ही मेल मिलाप करते थे, संजय गांधी ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड थे। अब बोल्डनेस का फर्क था कि इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफी ज्यादा मेजर्स ले लिए थे, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले लिए। उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को बोला जाता है हमारी माल्थस की थ्योरी। तो उन्होंने माल्थस की थ्योरी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, सबको स्टरलाइज करो, पकड़ पकड़ के स्टरलाइजेशन करना शुरू कर दिया गया। ट्रेन में कोचेस जितने भी है सबको स्टरलाइज कर दिया गया। क्यों? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरीके के काम लिए थे। बहुत ही ज्यादा अननेचुरल तरीका था और कह लीजिए कि बहुत सारी डेथ हो गई थी, कई सारी डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्रेशर था, जितने एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस ऑफिसर्स थे सबके ऊपर एक प्रेशर था कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है जब आप स्टरलाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लगातार कहा कि आओ नताओ सबको स्टरलाइज करो, देखा जाएगा बाद में जो होगा। तो सबकी इस तरीके से डेथ होना शुरू हो गई। तो अगेन क्या था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पे एक क्वेश्चन उठना शुरू हो गया था और इस क्वेश्चन का जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इन्होंने डेमोक्रेसी पर एक ब्लैक धब्बा के बारे में बात किया, डेमोक्रेसी पे। और फिर उसके बाद से क्या होता है, वापस से इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद जनता पार्टी आती है अपने फॉर्म में, लेकिन ये पार्टी वापस से फॉल डाउन कर जाती है और यहीं से निकल के आता है क्या, पॉलिटिकल ट्रॉमा का केस कह सकते हैं, पॉलिटिकल ट्रॉमा। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। तो यहां पर जब कंडीशन, अब जैसे देखिए पॉलिटिकल ट्रॉमा कंडीशन चल रही है, यहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है सो चल रही है, लेकिन देश की इकोनॉमी जो चल रही है ये भी अगेन क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। इस प्रॉब्लम में चलने के साथ साथ हमारी जो ये दो दिक्कतें थी, एक जो हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर था और दूसरा जो हमारा फूड था, इसमें से फूड वाली प्रॉब्लम हमारी फिर अब धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब आ गई थी हमारी 1966 के दौरान में ही, इंदिरा गांधी से जस्ट पहले आ गई थी ग्रीन रिवोल्यूशन। इस ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू कम से कम गेहूं चावल ये दोनों के दोनों पैदावार काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस पैदावार के होने के कारण से फ्यूचर में हुआ क्या कि जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, ईस्टर्न राजस्थान, तो ये जो इलाके थे ये कुछ ज्यादा ही प्रॉस्परस हो गए और बाकी के जो इलाके थे जैसे ईस्टर्न यूपी हो गया या फिर जो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, तो इस इलाके में क्या है कि बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस रह गई। इस बैकवर्डनेस रहने का मतलब ये रह गया कि आपस में ही विद इन द स्टेट बहुत ज्यादा ही डिवाइड देखने को मिल गया। और समय के साथ हुआ ये कि जो ईस्टर्न यूपी वाले लोग थे अब वो यूपी नहीं, अब वो बिहारी ही कहलाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बिहार जो होता है बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो बिहारी ही कहलाए जाना शुरू कर दिए। लेकिन एटलीस्ट एक काम हो गया था कि फूड की सफिशियंसी हो गई थी, फूड अब प्रोवाइड होना शुरू हो गया, तो लोग अब खाना शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट जो होता है, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा 1954-1955 के बीच की, जिस समय खाना नहीं हुआ करता था। उस समय क्या होता था कि मान लीजिए एक फैमिली में, हालांकि उस समय फैमिली काफी बड़ी बड़ी होती थी, तो उस समय होता क्या था कि जितनी भी फीमेल मेंबर होती थी, फीमेल तो आपको पता ही होगा पहले के जमाने में क्या होता था, जब तक मेल खा नहीं लेते थे तब तक फीमेल खाती नहीं थी। तो फीमेल्स जो होती थी, मान लीजिए जो प्रेग्नेंट वगैरह है, जिनको बच्चा बच्चा होने वाला है, तो उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखने की जरूरत थी। तो जितने मेल्स हुआ करते थे उस समय, वो क्या करते थे, रोटी का एक टुकड़ा केवल खाते थे, पानी पी लेते थे और फिर उठ के निकल जाते थे और फिर बाकी के जो फूड होती थी वो फीमेल्स खा लेती थी। इस तरीके से यहां पर काम किया जाता था, मतलब दिन भर में केवल और केवल रोटी का एक टुकड़ा। सोच रहे हैं आप क्या कंडीशन हुई होगी उस समय, फील कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम को सुलझा दिया गया था किसके द्वारा, ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन को बाद में कोसा जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब पेट भरना शुरू हो जाता है लोगों का, तो उसके बाद से फिर कोसना, उस पर क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। देखिए मैं यही नहीं कहूंगा गलत है, क्वेश्चनिंग करना इज वेरी गुड, लेकिन उस समय की कंडीशन को सोचना भी जरूरी होता है, क्रिटिसाइज करना जरूरी होता है, लेकिन
देश विरोधी होना सही नहीं होता है। आपको देखना होता है कि वो कंडीशन क्या है, व्हाट आर द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन दैट सिचुएशन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट। ठीक है, तो आपकी क्या है कि जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के जो लोग हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी है, चेरिश देयर आइडियल्स। तो हमें कभी भी उन पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। ठीक है, जो भी थे, जैसे भी थे, दैट इज डिफरेंट इशू, बट दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दे वुड हैव देयर बेटर लाइफ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लाइफ कर सकते थे, वो अपनी फॉरेन में जाकर रह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। खैर चलिए, तो यहां पर क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो थी, प्रॉब्लम्स के नाम पर हमारी क्या निकल के आ गई थी, निकल के आ गई थी बहुत सारी, जो हमारी फील्ड थी उस फील्ड में फर्टिलिटी खराब होना शुरू हो गई थी। इस फर्टिलिटी खराब होने के कारण से क्या हुआ था कि अब फिर से फूड की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, बट फिर भी इट वॉज सफिशियंट एनफ कि हाँ, अब हम लोग के लिए खाने, ये वाली 1955 वाली कंडीशन नहीं हो सकती थी अब, तो दिस वॉज सफिशियंट। अब हम लोग आ गए थे अपने 1975 के दशक के दौरान, और इस दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस किए गए थे हमारे इंदिरा गांधी के द्वारा, पॉलिटिकल चेंजेस। और यहां पर बेसिकली टसल चल रही थी, किसके किसके बीच टसल चल रही थी, गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में, जुडिशरी के बीच में। और इस अल्टीमेट सोर्स के रूप में निकल के आया था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस निकल करके आ गए थे, तो दिस वॉज द पोलिटिकल सिचुएशन देयर। बट यहां पर सोसाइटी में भी एक दिक्कत चल रही थी। सोसाइटी में क्या दिक्कत चल रही थी कि जो हमारे एरियाज थे, उन एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस को 25 साल प्लस होने आ रहा था, लेकिन कुछ खास हमें डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था। तो हम लोगों ने अब क्या किया, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, जिस एरिया में जिस चीज की बढ़िया है, जिस चीज के लिए भी बढ़िया है, उसी का डेवलपमेंट करिए। जैसे मान लीजिए कि जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में ड्रॉट बहुत ज्यादा है, तो ड्रॉट इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसके लिए निकाल दिया गया ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ड्रॉट को किस तरीके से मैनेज करना है, ये स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा जहां पर भी मान लीजिए कि जो होता है कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है, वहां पर इरिगेशन मैनेजमेंट किया गया। इरिगेशन मैनेजमेंट, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया गया। जहां पर मान लीजिए फूड की स्टोरेज नहीं हो रही है, वहां फूड की स्टोरेज किया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला एक प्रोग्राम जिसका नाम है CADP, या इसी को बुलाता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह प्रोग्राम इस तरीके से शुरू हो गया था। तो अब हमारी क्या है, यहां पर पॉपुलेशन अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम तो थी, लेकिन फूड हमारे लिए ठीक हो गया था। बट अब हम लोग क्या है, धीरे 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 अनडेवलप्ड से अब हम लोग धीरे धीरे डेवलपिंग की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। बट स्टिल आवर इकोनॉमी वॉज वेरी क्लोज्ड, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, हम लोग फूड में सफिशियंट हो गए थे, लेकिन बाकी सारी चीजों को अभी भी बाहर से ही मंगाना पड़ रहा था। इस वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं था, मार्केट में कंपटीशन नहीं था। दूसरा, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें तो लोगों की यह भी बहुत ज्यादा कम थी। कम होने के पीछे रीजन क्या था कि कंट्री का जो GDP लेवल था वो भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, बहुत कम था। और उसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी सोशलिस्ट, हमारी इकोनॉमी चल रही थी, मिक्स चल रही थी, बट सोशलिस्ट थी। तो यहां पर क्या हुआ था कि जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो मेनली पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, मतलब कि सारा का सारा सरकारी कंट्रोल में था। कुछ कुछ प्राइवेट थी, बट ज्यादा प्राइवेट नहीं थी। अब सीधी सी बात है, अगर सरकारी रहेगा तो कंपटीशन का नाम जीरो रहेगा। प्राइवेट वाले हमेशा कोशिश करते हैं कंपटीशन करने की, लेकिन कंपटीशन यहां पर जनरेट नहीं हो पाया क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं लाए गए। तो यहां पर क्या हुआ, नो कंपटीशन। और नो कंपटीशन का जरिया यही था कि यहां पर GDP आगे बढ़ नहीं पा रही थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, और अल्टीमेटली मार्केट में कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। तो यह कंडीशन चल रही थी हमारी इंडिया की, लेकिन इंडिया से बाहर बहुत कह लीजिए कि जो होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, और वो चल रही थी अरब नेशंस के साथ, अरब नेशंस के साथ। और इस अरब नेशन में काम हो रहा था ईरान के साथ, ईरान के साथ बहुत ज्यादा घटनाक्रम हो रही थी। क्यों? क्योंकि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो इस्लामिक जो ऑर्थोडॉक्सिटी है, उस ऑर्थोडॉक्सिटी में न पढ़ के ये
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे लगा रहा और यूएस को इससे बहुत ज्यादा डर लगता था। क्यों? क्योंकि इनके पास था प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम का मतलब यह है कि अगर एक भी बॉम्ब अटैक किया गया तो पूरा यूएस से खत्म हो जाएगा। तो यह काफी ज्यादा, अब यूएस को सब कुछ यूएस के पास था लेकिन प्लूटोनियम नहीं था, इसलिए आंखों में गड़ना शुरू हो गया था ईरान भाई साहब। तो ईरान, इनको प्लूटोनियम था, सब कुछ था, बट टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी अगर ये लोग डेवलप करने जा रहे थे तो यूएस को डर लगना शुरू हो गया। अब यूएस क्या है, पावरफुल था ही, इसने अटैक करवा दिया ईरान पे, और ईरान का नाम दिया गया। ईरान पे डायरेक्टली अटैक कर नहीं सकते थे तो इन्होंने आसपास की कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया को इन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया, बाकी कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में ले लिया, और इस तरीके से सबसे पहले इराक वॉर करवाया गया और फिर अल्टीमेटली ईरान में ईरानियन रिवोल्यूशन का नाम दे करके ईरान में अटैक करवा दिया गया। तो ईरानियन रिवोल्यूशन का केस हो गया। यहां से केस दो हुआ, ऑयल की जो प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, ऑयल की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई। दूसरा, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन लोगों को, उसकी डिमांड घट गई क्योंकि कंडीशन खराब हो गई थी। और दूसरी चीज, हम लोग इंडिया वाले यूएस के पहले ही जो होता है निगाहों पे चढ़े हुए थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉलो कर लिया था क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम, यूएस को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया था। पाकिस्तान ने यूएस को फॉलो कर लिया था, पाकिस्तान जो होता है वो यूएस का दोस्त बन गया था बढ़िया से एकदम। तो इंडिया वाले, यहां पर क्या हुआ, ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, एक्सपोर्ट इनका कुछ हो नहीं पा रहा था। तो यहां से हुआ क्या कि जो फॉरेन करेंसी थी इनकी, फॉरेक्स करेंसी, वो करेंसी अब हो गई धीरे धीरे खत्म। खत्म होने का पीछे अब ये दिक्कत हो गई, आगे अब कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे। अब आगे ऐसे करेंगे मतलब ऑयल वगैरह कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम लोग जो होता है अपना, क्योंकि ऑयल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जितने भी सोर्सेस थे एनर्जी के सोर्सेस, वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे इसी ऑयल रिसोर्स पे, इसी ऑयल रिसोर्स पे डिपेंडेंट थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऑयल रिसोर्स एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो काम कर रही है वो काम करना शटडाउन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम गिर जाएगा, गरीबी बढ़ जाएगी और वापस से हमारी इकोनॉमी वापस से चरमरा करके खत्म हो जाएगी। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था, किसी तरीके से फॉरेक्स का जुगाड़ करना है। फॉरेक्स का जुगाड़ कैसे करेंगे, किसी से उधार तो मांग सकते नहीं है, फिर भी हम लोगों ने लोन लेना शुरू किया बाकी के कंट्रीज से, लेकिन ये लोन उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं था। तो हम लोग किसके पास पहुंच गए, संसार के बाप के पास, दैट इज आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, एक बैंक है, लोन वगैरह देता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। यहां पर आईएमएफ ने कहा कि देखो ऐसा है, देयर आर सम टफ मेजर्स विच यू नीड टू टेक, अगर वो नहीं करेंगे तो हम पैसा नहीं देंगे। इस समय जो गवर्नमेंट थी, 1990 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आप, और ये रियानियन रेवोल्यूशन 1970s के बारे में बात हो रही थी। तो इस समय क्या हुआ कि इस समय हमारी जो गवर्नमेंट थी वो नरसिम्हन गवर्नमेंट थी, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, द रियल इकोनॉमिकल मैन। इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी बदल दी, इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, और इस पॉलिसी को बहुत ही गहन मंथन मंथन के बाद इन्होंने बनाया। और बनाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ टर्म्स एंड कंडीशन, इन्होंने इंडियन फेवर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, इंडियन फेवर्ड, और इस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, जिसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी अब जो क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी वो अब ओपन हो गई, लेकिन झटके में ओपन नहीं हुई। कोई भी काम देखिए झटके में नहीं किया जाता, इकोनॉमिक्स के केस में धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में करना चाहिए। जैसे क्या है, जीएसटी देख लीजिए आप, जीएसटी में क्या है कि झटके में किया गया इसीलिए फेलियर निकल के आ गया। अगर वो फेज वाइज मैनर में किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो फेज वाइज मैनर में यहां पर हमारे इकोनॉमिस्ट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने फेज वाइज मैनर में किया, और इस तरीके से हमारी कंडीशन जो है काफी अच्छी निकल के आ गई, कंडीशन हमारी ठीक ठाक थी। इस फॉरेन जो ओपनिंग थे, जो फॉरेन ओपनिंग थी, हमने ओपनिंग कर तो किया, लेकिन क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी तुरंत के तुरंत आएंगे क्या, नहीं। कब आएंगे ये लोग, तभी आएंगे जब इनको यहां पर फेवरेबल मार्केट दिखेगा, कंपटीशन दिखेगा, और इनको लगेगा कि यहां पर आकर के हम कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए अभी भी फॉरेक्स करेंसी अभी भी नहीं आ पा रही है, दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को यहां पर कुछ माहौल नहीं मिल रहा है।
तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को थोड़ा सा सही करने के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हालांकि 1969-1980 में ही किया जा चुका था, लेकिन इनको कुछ खास पावर नहीं दी गई थी। इस पावर के लिए कमेटी बना दी गई थी, नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन कमेटी ने फिर बैंक को थोड़ा सा लिबरल वे या कह दीजिए इंटरनल पावर देने की बात कही, और इस तरीके से बैंक्स अब अपना खुद का काम कर सकते थे। नाउ बैंक हैव बिकम प्राइवेट एंटिटी टाइप की चीज, जहां पर ये अपने सेल्फ डिसीजन ले सकते थे। तो इस तरीके से फंड्स की अवेलेबिलिटी करवाई गई। फंड्स की अवेलेबिलिटी जैसे ही हो जाती है, वैसे ही हमारी इंडस्ट्रीज वापस से रन करना शुरू कर देती है, और रन करने के साथ ही अब धीरे धीरे मार्केट बनना शुरू हो जाता है। और जब 4-5 ईयर्स के बाद जब मार्केट बनना शुरू होता है, तो जो इन्वेस्टर्स बाहर के हैं, इनको अब ये फेवरेबल मार्केट दिखना शुरू हो जाता है। और 1997-98 के बाद से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, अब देखिए इंडिया की इकोनॉमी जो पहले इस तरीके से क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, अब वो इकोनॉमी ओपन हो गई थी, यहां से ओपन हो गई, और इस तरीके से अब क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट जो भी कंडीशंस होंगी उसका इफेक्ट अब इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टर्स के अंडर आ गई थी। अगर इन्वेस्टमेंट पंप किया गया तो इकोनॉमी बहुत बढ़िया चलेगी, इन्वेस्टमेंट अगर स्क्वीज किया गया इकोनॉमी फिर लड़खड़ा जाएगी। तो इस तरीके से ग्लोबल मार्केट कंडीशन के अंतर्गत आ गया। ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, 2003 के दौरान में रिसेशन आ जाती है। अब देखिए कंट्री ने अभी अभी थोड़ा सा बूम पहुंचाया था, उतने में कंट्री बाहर की कंट्री लड़खड़ाना शुरू कर दी। गवर्नमेंट यहां पर आ जाती है हमारी 1999 में आ जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आ जाती है, और ये लोग कहते हैं कि देखो ऐसा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट को फोकस करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब था कि पहले तो आप कनेक्टिविटी मेंटेन कर लीजिए, अदरवाइज क्या है कि हमारे पास जितने भी पेरिशेबल आइटम है दूध दही वाई टाइप की खराब होते आएंगे, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने रोड बनाना शुरू किया, और यहां से निकल के आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस तरीके से रोड बनना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन ये उठता है कि पैसा कंट्री के पास है नहीं यार, पैसा कहां से लेकर के आए। इन्होंने कहा देखो ऐसा है, पेट्रोल रोज भरा ही रहे हैं सब लोग, पेट्रोल पे एक काम करते हैं, 1 रुपए हम लोग पर लीटर सेस लिया करेंगे, सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स कह लीजिए, 1 रुपए हम लोग सेस लिया करेंगे और जनता को बताएंगे देखिए इसी से हम लोग रोड बनाएंगे। जनता ने इसका बहुत स्वागत किया, जनता ने कहा बिल्कुल बनाइए एकदम, और रोड बनाने का सिलसिला फिर शुरू होता है, और सिलसिला आज तक चलता आया है। देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रोड पे चलने में क्या है, सबको अच्छा लगता है, गाड़ी स्पीड में भगाते हैं, बढ़िया मजा आता है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी रोड बनना शुरू हो जाती है। ग्लोबल शॉक बाहर की कंट्री में रहता है, लेकिन इंडिया में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो जो लोग भी 2003 वाले लोग हैं, भले वो IIT से पढ़े हो चाहे कहीं से पढ़े हो, दे वर अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड वो 1-2 साल के लिए नहीं थे, 2003 से लेकर के 2010 के लिए छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, साइकिल पे चलते थे, मतलब अनएम्प्लॉयड थे कह लीजिए, चाहे वो भले ही वो IIT से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो होती है टफ सिचुएशन चल रही थी, और ये टफ सिचुएशन और ज्यादा टफ हो गई जब 2008 में हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई थी यूएस में। अब यह हाउसिंग प्रॉब्लम क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग अपना मेन डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताऊंगा मैं क्या हाउसिंग प्रॉब्लम थी। तो हाउसिंग प्रॉब्लम आ गई थी, इस हाउसिंग प्रॉब्लम के कारण से वर्ल्ड में जो अभी स्लो डाउन था वो अब रिसेशन तो ठीक है, अब ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल के बाद रीजन ये निकल के आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे, बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। इसके बाद क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी आ जाती है 2008 के बाद 2010 से, और हम लोग क्या है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को फोकस करना शुरू कर देते हैं, और टेक्नोलॉजी को फोकस करने के बाद 2011-12 में हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है। एडवांस होने का मतलब ये होता है कि नाउ वी आर फूड सफिशियंट, हम लोग फूड सफिशियंट हो जाते हैं। हमारी जो सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है वो बूम कर जा रही होती है, काफी आगे बढ़ चुकी है, इनफैक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और इसी का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग।
मतलब वी आर डूइंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर का, एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे होते हैं सर्विस का, और अल्टीमेटली दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं, निगेटिव ही आ रहा है, बट सर्विस सेक्टर में अगर बात करते हैं, सर्विस सेक्टर का जो इम्पोर्ट है, सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है, उसमें हम लोग पॉजिटिव निकल के आ जा रहे होते हैं। एंड नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग न्यू आइटम्स, स्टील वगैरह का भी मैन्युफैक्चर करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी आज की डेट में अगर बात किया जाए तो आज की डेट में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रखी है। अब हम लोग अगर करंट सिनेरियो देखें, करंट सिनेरियो कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट से देखा ही है, अब हम लोग जरा देखते हैं करंट सिनेरियो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इंडिया शुड डू। इनफैक्ट कोरोना पीरियड में भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, इंडिया की जो मेन पावर है, कहा जाता है अपनी एक मेन पावर को पहचानिए, वही पावर आपको बाकियों से अलग करती है, और यही वो पावर है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को बीट कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे रेस हो, चाहे कुछ भी हो। विद दिस पावर यू कैन बीट एनीवन बिकॉज दिस इज इंडिजिनस टू यू। ठीक है, ये टैलेंट आपका है, टैलेंट अपना पहचानिए, जो टैलेंट है उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, नोबडी एल्स कैन, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इंडिया के अगर पावर के बारे में बात करें तो देखिए, इंडिया का पावर है एमएसएमई। क्यों? क्योंकि इंडिया का हर एक बंदा, हर एक घर, हर एक फैमिली कोई ना कोई आइटम बना रही होती है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग ठंड जैसे ही आती है वैसे ही वूल आ जाता है, ऊन आ जाता है, और तुरंत सबके घर में स्वेटर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये स्वेटर कभी मार्केट में क्यों नहीं बिका? क्या यह स्वेटर अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है? नहीं, मार्केट में अच्छा, मार्केट में आया क्यों नहीं, किसी ने सोचा नहीं, इसी वजह से। हर घर में पापड़ बनती है। पापड़ तो चलिए ठीक है, मार्केट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अचार आ गया मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें तो आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में आ सकती हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप किसी दुकान में देख लीजिए, तो आपको जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी, चाहे वो फास्ट का डे हो, व्रत वगैरह वाला दिन हो, या नॉर्मल भी डेज हो, तो आपको क्या है, आज की डेट में एमएसएमई के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में दिखेंगे, बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग इट। इसी को प्रमोट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इससे लिंक है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट सेक्शन का आदमी इसी से लिंक है, और कल को इस लोवेस्ट सेक्शन को जब अपनी पावर के बारे में पता चल जाएगा, मतलब इससे इसको इकोनॉमिक बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत ही लार्ज सेक्टर, लार्ज स्केल पे ये प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, और वही लार्ज सेक्शन इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर उठाएगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी जिस समय ब्रिटिशर के द्वारा अट्रैक्ट की गई थी, मतलब ब्रिटिश लोग जब अट्रैक्ट हुए थे, और वो एकमात्र सोर्स थी, वो क्या थी? कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, यहां के बने हुए कपड़े ब्रिटेन में बहुत ज्यादा जो होता है अट्रैक्शन हो गए थे, और ये कॉटेज क्या थी? बेसिकली एमएसएमई। और इस चीज को हम लोग भूले हुए, वी हैव टू अगेन गो बैक टू दोज टाइम्स, और हमें देखना होगा कि हम क्या चीज करते थे, हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, हमें अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि जब तक जैसे क्या है कि हम लोग की इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूटेड ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं, तो हमें क्या है, वी हैव टू फर्स्टली आइडेंटिफाई दिस इनफॉर्मल सेक्टर, एंड वी हैव टू मूव दिस इनफॉर्मल इनटू फॉर्मल सेक्टर। कैसे करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप करके। और इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम चलाए हुए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, चाहे स्टैंडअप इंडिया हो गया, ये सारा काम इंडिया ने किया भी हुआ है। तो दिस इज हाउ द सीन इज गोइंग ऑन। और जब से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एग्रीकल्चर पे जितना कुछ दिख रहा है, सब कुछ ऑन लैब है, कोई भी चीज ऑन फील्ड नहीं पहुंच रही है। वी हैव टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू द लैंड। हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकार को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये ध्यान देखिए, सरकार का भी, प्रधानमंत्री अब जाकर के खेतों में नहीं जाएंगे, यहां पर केवल और केवल कौन जा सकता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यानी करना क्या होगा, वी हैव टू गिव मोर पावर टू द पीआरआईज। हमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको ज्यादा से ज्यादा पावर देने की जरूरत है, इनको फाइनेंशियल वायबल बनाने की जरूरत है, इनको फाइनेंशियल पावर दीजिए, खुद ये फंड जनरेट कर सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले सके। देखिए, प्रधानमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल, बट द मोर रिस्पॉन्सिबल इज द ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को उसी इलाके में रहना है, वहीं पर सब कुछ करना है। अगर कल को वो डेवलपमेंट नहीं करता है तो 100% वो लोगों का शिकार हो जाएगा। तो इस वजह से ग्राम प्रधान ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसको फाइनेंशियली वायबल बनाइए, उसको फंड्स दीजिए। कितना होगा, क्या होगा, मान लीजिए कि जो होता है 100% फंड पहुंच रहा है, 40% वो अपने जेब में रखेगा, 60% डेवलपमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो 60% का डेवलपमेंट एक्चुअल में वो ग्राउंड पे दिखेगा। पहले क्या होता था, 1 रुपए मान लीजिए कि सेंटर से निकल रहा है,
17 पैसे केवल और केवल जो होता है वो आम आदमी के पास पहुंचते हैं, बीच में सारे के सारे जो होते हैं मिडिलमैन खा रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि वी हैव टू मेक ऑल दिस थिंग एज अ ट्रांसपेरेंट एज वी कैन, और इस तरीके से चीजों को हमें लेकर चलना चाहिए। तो दिस वॉज द ऑल इकोनॉमिक सेक्शन। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी इकोनॉमी को देखा, पहले इकोनॉमी कैसी थी हमारी, आज की इकोनॉमी कैसे है, पहले कैसे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर हुआ करता था और आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा अब चीजें डिपेंडेंट हो गई हैं। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैंने अभी नहीं बता पाया हूं क्योंकि टाइम अवेलेबिलिटी और चीजों के बारे में भी आते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज कैसे मेंटेन हो रही है, और बाकी हम लोग जो मेन सेक्शन है हमारे इकोनॉमिक्स का उस सेक्शन पे हम लोग मतलब टाइम टू टाइम देखते ही जाएंगे। नाउ योर स्ट्रक्चर हैज बीन प्रिपेयर्ड, आपका स्ट्रक्चर एक बन गया है। नाउ यू हैव टू मेक सम पैचेस एवरीवेयर, वहां पर क्या है कि आपको प्लास्टरिंग करने की जरूरत है, और प्लास्टरिंग के लिए हम लोग हर रोज एक एक टॉपिक करते ही हैं। तो चलिए फिर, दिस वाज द ऑल जिस्ट ऑफ दिस, और इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो टू द टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी गई है, वहां पर आप जो होता है कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।